और अब आज का इतिहास। आज वर्ष 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 1932 में हमारी वायुसेना ब्रिटिश वायुसेना की एक सहायक विंग के तौर पर तैयार हुई थी और इस वायुसेना को वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शानदार प्रदर्शन के लिए रॉयल उपाधि मिली और इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा। हालांकि 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद रॉयल शब्द को हटा दिया गया और वायुसेना को इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा। वर्ष 1979 में आज ही के दिन भारत के लोकनायक यानी आम जनता के महानायक और समाज सुधारक जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। 1974 में भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने ही की थी। इसे संपूर्ण क्रांति और जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ था। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। मुंशी प्रेमचंद 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं और उन्होंने गोदान, निर्मला, कर्मभूमि और सेवा सदन जैसे उपन्यास लिखे और 250 से ज्यादा कहानियां लिखी। और आखिर में आपके लिए स्वामी विवेकानंद का एक कथन। उन्होंने कहा था, अपराधियों की सक्रियता की वजह से समाज नीचे नहीं जाता, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता की वजह से समाज नीचे जाता है।